जवान मूवी में बड़ा ही अच्छा एक शेर याद आ रहा है कि बैंगन पड़ा था मम्मी ने भरता बना दिया, शाहरुख खान भैया आपने तो गर्दा उड़ा दिया। तो गुरु लोग फाइनली जवान रिलीज हो गई और भैया मैं तो कहता हूँ कि शाहरुख खान के हेटर्स इस टाइम पे गांड के आंसू रो रहे होंगे जब थिएटर्स में SRK के फैंस तालियों से और गला फाड़ के चिल्ला चिल्ला के इस मूवी को सेलिब्रेट कर रहे थे। जवान एक सही एग्जांपल है कि क्यों आप चाहे जितना मर्जी OTT पे मूवी देख लो, वो थिएटर का सिनेमा एक्सपीरियंस का लेवल आप मैच नहीं कर सकते। पूरे थिएटर में जब लोगों के साथ बैठ के मूवी को एंजॉय करना एंड सिनेमा को सेलिब्रेट करना इज एन एक्सपीरियंस जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, और ये चीज सिर्फ और सिर्फ SRK के साथ ही पॉसिबल था। वेल हेलो, मेरा नाम है जयदीप राजकुमार और जवान आज के हिसाब से एक स्टैंडर्ड बनाती है कि इंडिया में एक मासी मूवी को एक्चुअल में कैसा होना चाहिए, जो अपनी क्वालिटी के साथ बिल्कुल भी कोई कंजूसी ना करे, बकचोदी ना करे एंड अपने स्टाइल को मेंटेन रखते हुए आपको एक ओवरऑल प्योर एंटरटेनमेंट दे। तो आगे बढ़ने से पहले इसकी स्टोरी के बारे में थोड़ा बहुत जान लो एंड हाँ, डोंट वरी, मैं कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा। तो जवान की स्टोरी रिवॉल्व करती है SRK के डबल रोल के कैरेक्टर के इर्द गिर्द, जहाँ एक तरफ विक्रम राठौर एक स्पेशल ऑपरेटिव ऑफिसर होता है और वहीं दूसरी तरफ आजाद जो कि एक लेडीज प्रिजन का जेलर होता है, और वहीं तीसरा एक कैरेक्टर होता है काली जिसको विजय सेतुपति प्ले करते हैं एंड वो एक आर्म्स एंड गन्स का डीलर होता है। तो आजाद एक फेक नेम से विजिलेंटी बन के काली को हर टाइम टारगेट करता है, वहीं दूसरी तरफ NSG ऑफिसर नर्मदा राय को अपॉइंट किया जाता है ताकि वो इस विजिलेंटी को पकड़ सके। लेकिन यहाँ एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसमें ये रिवील होता है कि काली, आजाद और विक्रम राठौर का एक बहुत ही पुराना कनेक्शन है जिसकी वजह से आजाद काली के पीछे पड़ा है। अब वो क्या है ये आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। जवान इज एक्चुअल रीजन कि शाहरुख खान इस एरा के आखिरी बॉलीवुड सुपरस्टार है। बंदे ने 58 की उम्र में जो डाइवर्सिटी दिखाई है एंड वो साउथ की मूवीज का स्टाइल एफर्टलेसली पकड़ा है एंड एटली कुमार ने उसी कैरेक्टर को लार्जर देन लाइफ तरीके से रिप्रेजेंट किया है, आई थिंक ये कॉम्बो ही जवान को सबसे बेस्ट एंटरटेनर बनाती है। एक साउथ और बॉलीवुड का कॉम्बो जो आज तक किसी ने भी एक्सप्लोर किया ही नहीं था। जवान एक्चुअली ये प्रूफ है कि साउथ और बॉलीवुड इंडस्ट्री का टैलेंट अगर एक हो जाए तो हमें फ्यूचर में और भी ऐसे अच्छे अच्छे सिनेमा एक्सपीरियंस देखने को मिल सकते हैं। कसम से बोल रहा हूँ कि थिएटर में बैठ के मैं तो फुल ऑन मजे ले रहा था भाई। मेरे मल्टीप्लेक्स का क्राउड इतना ज्यादा मस्त था कि यार एक्शन पे सब चिल्ला रहे थे और मूवी को सेलिब्रेट कर रहे थे। मेरे मल्टीप्लेक्स का ये हाल था, मैं सोच भी नहीं सकता कि सिंगल स्क्रीन वालों का क्या हाल हो रहा होगा। देखो हाँ, मैं मानता हूँ कि मूवी परफेक्ट नहीं है, इसमें भी कुछ कुछ जगह पे कमियां है, लेकिन मूवी इतनी ज्यादा मासी है कि आप उन सब कमियों को इग्नोर कर देते हो। अब जैसे विजय सेतुपति का कैरेक्टर मुझे अंडर यूटिलाइज लगा, काली का यंगर वर्जन एक मेनिसिंग विलन लगा था लेकिन ओल्डर वर्जन थोड़ा सा अंडरवेलमिंग लगा। लेकिन वही समझ में आता है कि SRK का लार्जर देन लाइफ स्क्रीन प्रेजेंस ही ऐसा था कि बाकी सब कैरेक्टर्स थोड़े छोटे लगने लगते हैं। SRK का वो चार्म, एटली सर का डायरेक्शन स्टाइल और रेड चिलीज का VFX फिल्म को और खूबसूरत बना देता है। अच्छा लगता है कि जब आप कोई मूवी से एक एक्सपेक्टेशंस लेकर जाते हो और वो मूवी उससे भी ज्यादा बेटर निकलती है। मूवी भाई क्लासी है, मासी है, एक कंप्लीट पैकेज है। एटली सर अपने साउथ के डायरेक्शन स्टाइल में एक परफेक्ट पैकेज देते हैं जिसमें आपको इमोशन, एक्शन, ड्रामा सब कुछ देखने को मिलता है। ओवरऑल जवान एक प्योर एंटरटेनर मूवी है जो कि पठान से बहुत से लेवल पे बेहतर साबित होती है। SRK का लार्जर देन लाइफ स्क्रीन प्रेजेंस और ऊपर से अनिरुद्ध रविचंद्र का बैकग्राउंड म्यूजिक भाई चार चांद लगा देती है। तो मेरी तरफ से इस मूवी को 4 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। आप चाहे SRK के फैन हो या ना हो, चाहे आप इस मूवी को किसी भी रीजन से देख रहे हो, लेकिन ये मूवी आपको फुल एंटरटेन करेगी, ये मेरी गारंटी है। तो यार मैं तो कहता हूँ कि फुल फैमिली के साथ थिएटर जाओ और इस मूवी को सेलिब्रेट करो, क्योंकि ये मूवी अपने आप में एक सिनेमा एक्सपीरियंस है।